वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ISSB ट्रेनिंग एंड गाइडलाइन। मेरा नाम इरफान खान। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट वर्बल, जिसमें आपको दिखा रहा हूँ कि डेज वाले क्वेश्चंस के हवाले से स्टडी करेंगे, जो कि ISSB और सॉरी इनिशियल में आप लोग के जो है वो वर्बल नॉन वर्बल में फर्स्ट टेस्ट आप लोग का वर्बल होता है, जिसमें 7 से 6 क्वेश्चन डेज के हवाले से आते हैं। डेज वाले क्वेश्चन के आज फ्राइडे और मंथ का 3rd डे या 5th डे या फॉर एग्जाम्पल 7th डे, तो 23rd ऑफ दिस मंथ कौन सा दिन आएगा। तो लोग इसको जो है वो ज़्यादातर मैंने देखा हुआ है कि वहाँ पे टेस्ट में 84 क्वेश्चन है वो 30 मिनट्स है। इसका मतलब ये कि अगर हम इसको टाइम पे डिवाइड कर ले तो 1 मिनट में आपको 3 क्वेश्चन करने। अगर आप जो है वो इसको फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है आपको दिखाता हूँ कि इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे एंड इट्स 3rd डे ऑफ मंथ, व्हाट विल बी द डे ऑन 24th ऑफ दिस मंथ। यानी कि अगर मंथ का जो है वो एक फॉर एग्जाम्पल मंथ है, फेबररी है या मार्च है या अप्रैल है, उसका एक फ्राइडे के दिन है और तीसरा दिन है उसका फ्राइडे का दिन है, ठीक है, तो उसके 24th डे ऑफ दिस मंथ कौन सा दिन आएगा, 24 तारीख को यानी कौन सा दिन आएगा। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, लोग काउंटिंग करते हैं कैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3rd डे, अच्छा यहाँ फ्राइडे है, अच्छा 4th पे सैटरडे, 5th पे संडे, फिर 6th पे मंडे, फिर 7th पे ट्यूसडे। ये काउंट करते करते इनका 1 से 1.5 मिनट मतलब निकल जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसने 1 मिनट तो ज़ाया किया इस एक क्वेश्चन पे या 1.5 मिनट ज़ाया किया। इसका मतलब ये है कि जो अपकमिंग इसने क्वेश्चंस करने हैं, इसने 1 मिनट में 6 क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि वो जो जो टाइम ड्यूरेशन था ना वो कम हो गया और क्वेश्चन ज़्यादा हो गए क्योंकि इसने यहाँ पर टाइम वेस्ट किया। तो उसके कुछ सिंपल ट्रिक्स है जो आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग ये वहाँ पे अप्लाई करोगे तो आप लोग का टेस्ट इजीली क्लियर होगा। कम से कम आप लोग के जो है वो 4 से 5 मिनट या 6 मिनट आप लोग के जो है वो सेव हो जाएंगे। सो देखते हैं, क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए कि 3rd डे, लेट्स सी 3rd डे, ठीक है, 3rd डे फ्राइडे। हम इसमें क्या करेंगे कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं, एक वीक में 7 दिन होते हैं, हम इसमें 7-7 ऐड करेंगे, इसमें वीक्स ऐड करेंगे, बजाय आप जो है वो काउंटिंग कर रहे हो एक एक दिन ऐड कर रहे हो, हम इसमें डायरेक्टली वीक ऐड करते हैं। अगर 3 को जो है वो फ्राइडे, इसमें 7 दिन हम ऐड करेंगे, यानी कि एक वीक में 7 दिन आते हैं, 7 हम ऐड करेंगे तो 10 हो जाएंगे, 10 को फिर क्या हुआ, फ्राइडे हुआ, फिर से 7 हम ऐड करेंगे तो 17 को फिर से फ्राइडे हुआ, फिर से हम 7 ऐड करेंगे तो 24 को फिर से फ्राइडे हुआ। इसका मतलब ये है कि 24 को जो हमें चाहिए था वो क्या था, फ्राइडे, यानी कि इसका आंसर क्या हुआ, फ्राइडे। हमने कुछ ही सेकंड में जो है इसका आंसर निकाला। तो इसके 3 से 4 क्वेश्चंस और करते हैं ताकि आप लोग के लिए प्रैक्टिस हो जाए, आप लोग इसको कर सको। सो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इफ टुडे इज सैटरडे, यानी कि अगर आज हफ्ता है एंड इट्स 7th डे ऑफ मंथ, और आज 7 तारीख है, ठीक है, 7वां दिन है, तो What will be the day on 27th of this month? यानी कि इसी मंथ के 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। अच्छा, मैं वैसे ही वर्बली भी इसको काउंट कर सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन के लिए लिखता हूँ ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सको। वहाँ पे आप लोगों ने लिखना नहीं है क्योंकि लिखने की ज़रूरत नहीं है, 7-7 दिन तो आप भी प्लस कर सकते हो, आपके लिए इतना तो ईजी होगा। तो मैं आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ, 27th डे, यानी कि 7 पे क्या है, सैटरडे, ठीक है, इसमें 7 और प्लस करो, 14 पे फिर सैटरडे हुआ, इसमें 7 और प्लस करो तो 20, हमें देखते हैं कि 21 पे फिर सैटरडे, इसमें 7 और प्लस करो तो फिर 28 को सैटरडे आ रहा है, तो एक माइनस करो, 27 को क्या आ रहा है, फ्राइडे, यानी कि हमारा आंसर क्या है, फ्राइडे। ये था एक इजी ट्रिक कि आप लोगों को समझाए। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको कहते हैं कि 28 को जो है वो कोई डे बताते हैं और कहते हैं कि इसी मंथ के जो है वो 7 डे या 13 पे कौन सा जो है वो दिन आ रहा है, तो उसमें आपने क्या करना है। जाहिर सी बात है हमें वापस जो है वो पीछे आना पड़ेगा, तो हम देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। अगर हम मंथ को देखते हैं कि हमसे किस मंथ में मांग रहे हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें फिर कभी कभार 31 डेज वाला मंथ आते हैं, तो उसमें हमने क्या करना है। सो लेट्स मूव, यह हमसे पूछते हैं, एक और क्वेश्चन आप लोग करूँगा, मैं आप लोग को समझाऊंगा कि उसमें क्या करते हैं। लेट्स मूव टू 3rd क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें थोड़ा सा चेंज लाया हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, आप लोगों को हमेशा एक बार बताऊँ कि जो 31 डेज वाले मंथ है आप लोगों को याद होने चाहिए कि साल में कितने मंथ 31 डेज वाले और उसमें कौन कौन से मंथ 31 डेज वाले। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर का जो है वो 31 डे, ये जो मंथ है 31 डेज का, ठीक है, तो अगर आपको ये पता होगा
तो आप ये वो आंसर दे पाएंगे। अगर आपको पता नहीं होगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हमें पता है कि अक्टूबर का जो मंथ है वो 31 डेज है, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहे, थोड़ा सा चेंज है अपने क्वेश्चन को, और से पढ़ना है। इफ टुडे इज थर्सडे, इफ टुडे इज थर्सडे एंड इट्स 28th डे ऑफ अक्टूबर, बता दिए मंथ कि अक्टूबर है, 28th डे आज, और दिन क्या है, थर्सडे है, ठीक है, 28 तारीख है। व्हाट विल बी द डे ऑन 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ यानी नवंबर का बात कर रहा है, किसका, नवंबर, तो नवंबर की बात की जा रही है, ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ की बात की इन्होंने। चलो हम देखते हैं कि 28th को जो है वो क्या है, थर्सडे, यानी कि 28th को हमारा हुआ थर्सडे। हम इसमें 7 डेज ऐड करेंगे, 7 का मतलब ये है कि उसमें 29, 30 एंड 31, तीन डे ये हो गए, और चार और ऐड करेंगे, इसका मतलब ये है कि 4 को फिर से थर्सडे आया, ठीक है। हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें 7 रिक्वायर्ड है। अब हम इसमें प्लस भी कर सकते हैं, अगर हम इसमें जो है वो प्लस करेंगे 3 दिन और, तो इसका मतलब ये है कि 5 को फ्राइडे, 6 को क्या हुआ, सैटरडे, यानी 7 को संडे हुआ, ठीक है। इसमें फिर हम सिर्फ हम क्योंकि हम क्लोज हैं, हम एडिशन कर रहे हैं, 3 दिन और ऐड किए तो 7 को हमें पता चला कि हमारे पास संडे आ रहा है, कौन सा आ रहा है, संडे हमारे पास आंसर आ गया, क्योंकि 4 को थर्सडे, 5 को फ्राइडे, 6 को सैटरडे, 7 और 7 को संडे। तो अब हमें पता चल गया है कि इसका आंसर क्या है। हमसे मांगा क्या था कि 28th डे ऑफ अक्टूबर, व्हाट विल बी द डे ऑन 27th ऑफ नवंबर, यानी कि 7 तारीख को जो है वो क्या होगा। तो हमने यहाँ पे इजीली बता दिए, क्योंकि 28th से जो है हमने जब 3 डेज ऐड किए थे इसमें तो 31 बन गए थे, यानी कि हम इसमें वीक ऐड कर रहे हैं, 3 डेज जब हमने ऐड किए तो 31 हो गए, और उसमें फिर 4 तारीख को जो हुआ था। तो इसमें मुझे आंसर क्यों पता चला, क्योंकि मुझे पता था कि अक्टूबर का जो महीना है वो 31 है। अगर मुझे पता नहीं होता ना तो मैं इसमें काउंट क्या करता, 30 डेज का काउंट करता। तो इस वजह से आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप लोग हमेशा याद रखो। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन करता हूँ जिसमें जो आगे बताया हुआ है आपको, पीछे आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा तारीख, यानी आपने पीछे आना है वापस, उसमें फिर क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, देन वीडियो एंड करते हैं। सो लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इफ टुडे इज वेन्सडे, ओके, इफ टुडे इज वेन्सडे एंड इट्स 26th डे ऑफ दिस मंथ, ओके, 26th डे ऑफ दिस मंथ, व्हाट विल बी द डे ऑन 6th ऑफ दिस मंथ। अब जो है वो दिस मंथ है, नेक्स्ट मंथ की बात नहीं कर रहा है, इसी मंथ की बात कर रहा है कि 6 को कौन सा दिन होगा। अगर 28 को जो है वो वेंसडे है तो फिर 6 को कौन सा होगा, हम देखते हैं। वर्बली इस बार करता हूँ, इस बार जो है वो कैलकुलेशन छोड़ दो ताकि आप लोगों के लिए वर्बली हो जाए। 26 से 7 माइनस करो, पहले हम 8 कर रहे थे 7, अब माइनस करो। 26 से हम 7 माइनस करेंगे तो 8 हो गए, 19 से हम माइनस करेंगे 7 तो 12 हो गए, 12 से हम माइनस करेंगे 7 तो 5 हो गए, 5 पे फिर से वेंसडे है, हमें क्या चाहिए, 6 डे चाहिए, ठीक है। तो अगर 5 को वेंसडे है तो 6 को फिर क्या है, थर्सडे, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हुआ, थर्सडे। तो ये कितना क्विकली मैंने कैलकुलेट किया, क्यों, क्योंकि मैं पहले 7-7 प्लस कर रहा था, अब मैंने 7-7 माइनस किए, तो जैसे ही मैंने 7-7 माइनस किए मेरे जो वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे इजीली और जल्दी आंसर मिल गया। यानी कि यहाँ पे आप लोग के जो है उस तरह के 5 से 6 मिनट यहाँ से हुए थे, और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी डायरेक्शन के हवाले से, उसमें जो है वो 5 से 6 मिनट आप लोग के सेव हुए, यानी कि 12 से 15 मिनट आप लोग के यहाँ सेव हुए, और आप लोग को जो है वो कम से कम 30-40% आप लोग का टेस्ट भी कवर हुआ। तो आप लोग थोड़ा सा और मेरे वीडियोस देखेंगे जो स्पीड के हवाले से, परसेंटेज के हवाले से, बाकी भी और वीडियोस बना रहा हूँ तो वो आप लोग देखेंगे, तो आप लोग को जो है वो 70-80% मेरे वीडियोस से आप लोग का कवर हो जाएगा, जो कि ट्रिक्स है, तो आप लोग के कन्फर्म टेस्ट वर्बल नॉर्बल क्लियर होंगे। तो इस तरह के मेरे वर्बल नॉर्बल के नोट्स भी है, और इसके अलावा जो है मेरे अकेडमिक्स के नोट्स है, ISSB के नोट्स है, ये वो नोट्स है जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स जाते हैं, टेस्ट देते हैं, वापस आते हैं, तो उनसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उस बिना पे मैंने ये वीडियोस, ये जो बुक्स वगैरह वो बनाए हुए हैं, और वीडियोस भी उसी बिना बनाता हूँ कि एक्सपीरियंस आता है, क्योंकि वो चीज़ें रिपीट होती है। मेरे बुक्स में 140 लॉन्ग कोर्स से लेकर अभी तक 150 तक जितने भी रिपीट हुए सब क्वेश्चंस हैं। तो ISSB के जो मटेरियल है वो सिर्फ आपको मेरे चैनल पे मिलेगा, और पाकिस्तान में कोई भी शेयर नहीं करता एग्जैक्ट जो कि एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच।